अबे ऐसे क्या हो रहा है? जल्दी अपनी जान बचाओ। क्या हो रहा है? निकलो, निकलो, अपनी जान बचाओ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी, चलो भागो। पांच सौ साल पहले दुष्ट अग्निसुर राक्षस शेनसाओ की जमीन पर आया। स्वर्ग लोक को तहस नहस करने के प्रयास में वो निर्वासित भूमि पर आकर्षित हुआ और इस राक्षस ने तीनों लोकों को नष्ट कर दिया। तीनों लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा, अमरोहा और चंबल सैनिकों के 15 योद्धाओं ने हाथ मिलाया और अग्निसुर से भिड़ गए। हमें अपनी शक्तियाँ अब 500 साल बाद मिलेंगी और 500 साल बाद अग्निसुर फिर से जीवित हो जाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं। तीनों लोगों के भले के लिए हमें हमारी शक्तियों का त्याग देना होगा ताकि अग्निसुर फिर से किसी पे कहर ना बरपा सके। अरे माई, ई का
हुई गौ भाई। फिर से वही सपना? कौन है ये सपना? सपना, सपनों की रानी आखिर कब आएगी तू? सपना तो सपना होता है, अब पैतरेबाजी पे ध्यान देता हूँ, मुझे लड़ना जो है। सपना देखते देखते आखिर हम पहुंच ही गया, पैतरेबाजी सीख के हम गरीबों की मदद करूंगा। डोला रे डोला, हमरा मन डोला। सुअर के बच्चों हो तू, आ तू जा बर्बाद, जाओ अपने गांव। कहा गंदी गंदी आवाज निकाला था, ले मैं तुम्हें देख लूंगा। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। गलती हुई गवा, माफ कर दो, गलती हुई गवा, अब नहीं होगा। आपको चोट तो नहीं लगी? आपको क्या लगता है गुरुश्याम, क्या ये लड़ पाएगा? हाँ थोड़ा ढीला और आलसी जरूर है, क्या ये आपका काम कर पाएगा? ये लड़का हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो अभ्यास भी नहीं करता। शरीर कमजोर और हड्डियाँ कभी भी टूट सकती हैं। गुरुजी अब बस भी करो, हम इतना भी बुरा नहीं हूँ और ना ही कमजोर हूँ। जिस तरह से ये लड़का लड़ता है उससे तो सिर्फ साधारण राक्षस ही मारेंगे। क्या लॉटरी लग गई हमरी, अब हम लड़ूंगा। वो झिंगा लाला हूँ, आखिरकार हमका तुंगा अखाड़ा से लड़ने का मौका मिल गया। याहू, कमजोरों को बचाऊंगा, राक्षसों का वध करूंगा और गुरुजी की तरह नायक बनूंगा। हमका कुछ कहना है गुरुजी, बहुत सालों से हम आपका शिष्य हूँ लेकिन अभी तक आपने खास पैतरा नहीं सिखाया, मुझे अभी सिखा दो गुरुजी। तो तुम मुझे अपना पत्थर दे दो। सो गए का? ठीक है, अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो ये पत्थर तुम्हारे काम आएगा। गुरुजी आपने कौन सा मंत्र पढ़ दिया, ये पत्थर तो चमक भी नहीं रहा है, अब बैटरी लो है का? ए पृथ्वी, अपनी ये फालतू की बकबक बंद करो और काम पर लग जाओ। का? एक बार फिर सोच लो। मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, और तो और ये कोई काम का नहीं है, मुझे तो लगता है ये हमारा नाम मिट्टी में मिला देगा। देखो हमारा नाम पृथ्वी है और अब हम ताकतवर बन गया हूँ, हम लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, बताओ हमको राक्षस कहाँ मिलेगा? गुरु श्याम मुझे बचाओ। घबराइए मत, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, और बड़े पंच जी इसे बता दो कि वो कहाँ मिलेगा। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, पूर्व की खाड़ी के आसपास आजकल काफी भूतिया घटनाएं घट रही हैं। कई मछुआरे समुद्र से गायब हो गए, लोगों का मानना है कि एक राक्षस है जो समुद्र में इनकी हत्या कर रहा है। गांव वालों ने राक्षस को वश में करने के लिए कई पुजारियों को भी बुलाया था लेकिन उनमें से कोई भी वापस लौट नहीं पाया। ये जो कोई भी राक्षस है वो बहुत चालाक है, ये तो जुड़वा चाले भी चलता है, होशियारी से काम लेना। मात